वेलकम फ्रेंड्स, ग्रेजुएट रोल्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के रिलेटेड है। तो एक कंपनी है जो आईपीओ अनाउंस कर चुका है, तो 8 अगस्त 2023 इसी का एक लास्ट रिकॉर्डिंग डेट है। तो इसी के अंदर आप निवेश करेंगे तो आपको आईपीओ का फ़ायदा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ इस कंपनी के बारे में। बेसिकली बायोटेक ऐसे कहेंगे तो आपको यहाँ पर सबके सब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह यहाँ पर आपको इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। इसी का एक रिलेटेड कंपनी है। तो फ्रेंड्स, कंपनी की आईपीओ की हम डिटेल्स जानेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 8 अगस्त से लेकर सॉरी 4 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक कितना आईपीओ का जो टाइमलाइन है आपको इसी के अंदर ही बाय करना होता है। तो 8 अगस्त इज द लास्ट बिडिंग टाइम है, तो इसी के अंदर ही आपको ये आईपीओ अप्लाई करना है। एंड देन आप अप्लाई जो आप करते हो आपका उस फायदा आप ज़रूर उठाओगे तो आईपीओ का। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो फेस वैल्यू, ये पर फेस वैल्यू है। तो शेयर प्राइस है फिलहाल इस समय जो आपको यहाँ पर लिस्टिंग देखने को मिलेगा कंपनी का 205 से लेकर 741 इतना शेयर प्राइस है। तो कंपनी का मिनिमम शेयर प्राइस इतना तो रहने वाला है। तो जब लिस्टेड होगा तब हम देखेंगे 800 होगा 900 होगा। ओके, देखेंगे हम। जो लॉट साइज है 20 शेयर का एक लॉट आता है, तो आपको जितना खरीदना है उतना आप लॉट खरीद सकते हैं, उसका भी एक लिमिट है। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने टोटली जो टोटली इश्यू साइज है इतना थोड़ा बड़ा अमाउंट है, बड़ा शेयर्स है, तो 2,09,25,625 इतना शेयर्स हैं जो यहाँ पर आपको एग्रीगेट अमाउंट देखने को मिलेगा। 1,151 करोड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑफर फॉर सेल भी रखा है तो काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, और इन्फॉर्मेशन इस आईपीओ को डिटेल्स में हम जानेंगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। चलिए हम ऐसे ही चलते हैं तो देखते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कितना परसेंटेज आईपीओ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जो रिटेलर इन्वेस्टर रहेंगे, नहीं तो QBI रहेंगे या एम्प्लॉयज़ रहेंगे, ओके, उनके लिए मतलब उनके हिसाब से इतना डिवाइड परसेंटेज किया है। तो आप यहाँ पर वो देख सकते हैं। आपको और इन्फॉर्मेशन जानना है तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, आप बायोटेक इन्वेस्टर डिटेल्स, तो यहाँ पर ही डिटेल्स हैं सिर्फ। ये इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी, हाँ, यहाँ पर टाइमलाइन दिया गया है। जो आईपीओ का ओपन डेट रहेगा, ये ओपन डेट है, ये क्लोज डेट है। तो 4 अगस्त दिस इज ओपन डेट, 8 अगस्त इज अ क्लोज डेट। जो अलाउटमेंट डेट होगा, जो 11 तारीख को अलाउटमेंट होगा, जो लिस्टिंग जो डेट होगा तो 18 तारीख का लिस्टिंग होगा फ्राइडे। तो फ्राइडे दिन कंपनी का जो शेयर मार्केट में आपको ये शेयर देखने को मिलेगा अपने ब्रोकरेज पर। तो आपको जितना साइज खरीदना है तो आप यहाँ पर खरीद सकते हो। तो बेसिकली एक साइज के लिए आपको 20 शेयर मिलेंगे, उसमें से आपको 40,820 इतना रुपये आपको निवेश करना है। तो आपको 13 लॉट खरीदना है तो आपको 1,92,000 रुपये देना होगा। अगर वहीं पर आपको 68 लॉट खरीदना है तो आपको 10 लाख रुपीज़ देना होगा, 10,07,000। तो फ्रेंड्स, और इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में जानेंगे तो आपको यहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 और 21, 22 एंड 23। तो असेट्स रेवेन्यू, हम रेवेन्यू के बारे में देखते हैं क्योंकि रेवेन्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी का काफ़ी अच्छा सा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, लगातार यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है कंपनी में, और नेट प्रॉफिट भी में भी आपको लगातार ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा सा कंपनी हम कह सकते हैं, और नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छा सा है नेटवर्थ कंपनी का, वेरी बेस्ट कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आईपीओ का जो इन्फॉर्मेशन था। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।